subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है भाषा पर आधारित जितने भी प्रश्न होने चाहिए उसको मैंने लेवल के हिसाब से बांट दिया है था और वो हो भी गया था, पूरा हो गया था मासा। देखिए, कुछ पॉइंटों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जैसे आपका हो गया दशमलव में लाशा और मासा कैसे निकाला जाए, भिन्नों का लाशा मासा कैसे निकाला जाए, और फिर उसके बाद है व्यंजकों का लाशा मासा कैसे निकाला जाए, और घातांक का आधारित लाशा मासा कैसे निकाला जाए। इन चार टॉपिकों को मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये अपने आप आ जाएंगे, इसके लिए आपको कोई परेशानी करनी होगी ही नहीं इसको चीज को समझने में, ठीक है। तो इस जो चारों बिंदु हैं, जैसे वो क्या हो गया दशमलव वाला, फिर क्या हो गया घात, बीजीय व्यंजक और भिन्न, इन चारों का मैं अभी जो है नहीं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि तो हमें जो है अभी कॉन्सेप्ट समझना, उस पर आधारित हमें प्रश्न लगाना है। फिर क्या करेंगे, जब हम लोग विविध पढ़ेंगे तो इसको जो है एक टॉपिक में, एक एक टॉपिक में करके सारी चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। एक एक टॉपिक में करके सभी बताऊंगा, जैसे दशमलव पर आधारित भिन्न पर आधारित चीजों को एक टॉपिक में कवर कर दूंगा, फिर घात और बीजीय व्यंजक को आधारित एक टॉपिक में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए और ये सब मत फील कीजिए कि पढ़ाया नहीं जा रहा, पढ़ाया सब कुछ जाएगा, बस क्या है कि आपको एक तरीके से स्टेज वाइज लेकर चल रहे हैं जिससे जो है कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं लाशा, ठीक है। क्या शुरू करते हैं लाशा, देखिए इसको लाशा पा भी कहते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म में आप लोग बोल देते हैं लाशा, लेकिन ये होता है लाशा पा, ठीक है। लघुत्तम समाप वर्ती, ठीक है। क्या होता है हिंदी में इसका, यदि हिंदी में बात की जाए तो क्या होता है लघुत्तम समाप वर्ती, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं एलसीएम, क्या कहते हैं एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं लीस्ट यानी एस्ट, और एक होता है लोएस्ट, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही लिया जाता है, ठीक है। सी मतलब हो गया यहाँ पर कॉमन, क्या हो गया कॉमन, ठीक है। और एम का मतलब हो गया मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, क्या हो गया ये गुणज, ठीक। तो आप जो है चलिए इसको आप सही से लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, तुरंत आप इसको जान जाएं, क्योंकि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि लाशा का हो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसको मैंने क्या बताया, लीस्ट ऑब्लिक लोएस्ट, ठीक है। कोई याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो याद रखिए, आप लिस्ट याद कर पा रहे हैं तो लिस्ट है, नहीं लोएस्ट याद कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को याद करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग गुणज जरूर लिख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए जब मैंने शुरुआत किया था तो उसमें इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैं जो है आज इस पर जो है डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या है कि मेरा पिछला वीडियो, वहाँ पर जो पहला वीडियो है लाशा और मासा का, जो पहला वीडियो है मैंने उस पर जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप वहां पर जाके उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है इस चीज को आज समझते हैं कि लाशा होता क्या है, ठीक। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में क्या कहते हैं लघुत्तम समाप वर्ती, लेकिन लाशापा होता है, लाशापा क्यों कहा जाता है उसको भी आप समझ लीजिए, भाई सब कुछ जानना जरूरी है कि अब पूछ लिया जाए सा मतलब क्या होता है, पा मतलब क्या होता है, कोई पूछ लिया तो गुम बने बैठो, ऐसा ना क्यों भैया, इज्जत बनाए रखियो, ठीक है। हाँ इतना मेहनत से पढ़ रहे हो तो कम से कम इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए जोन जितने छोट हो उतने खोट हो तेका जाने रहो, तो यह नाते हिंदी में आ जाता है लाशा पा, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ला मतलब लघुत्तम, शा मतलब होता है सर्व या सर्व होता है या कॉमन, वही चीज सर्व को क्या कहा जाता है कॉमन, और पा का मतलब यहाँ पर लघुत्तम समाप वर्त से लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा समाप वर्त, तो ये पूरा आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। हिंदी में क्या होता है लाशा नहीं होता, लाशा पा होता है पूरा, हालांकि हम लोग शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है उसको शॉर्ट टर्म बना दिए हैं, जैसे थैंक यू लिखना और टी एन के लिख दिए थैंक हो गया, टी के लिख दिए थैंक हो गया, तो जैसे ब्रदर बोलना तो ब्रो बोल देते हैं,
ये सारी चीजें अपनी जो है सरलता के लिए लोग कर रहे हैं, तो सारी चीजों को क्या जानना है हमें, जरूरी है। ठीक, तो अब बात आती है लासा होता क्या है। लासा होता क्या, तो आप लोगों ने मासा की परिभाषा देखी पढ़ी थी ना, बिल्कुल, वहां से क्या लिए थे हम लोग, बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, छोटी से छोटी संख्या। ठीक, तो चलिए क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, चलिए पूरा इसको परिभाषा में ले लेते हैं फिर समझते हैं, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कुछ संख्याएं दी रहेंगी और उन संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए एक परिभाषा और इस तरीके से भी लोग बनाते हैं क्या, कि और करके लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग देने पर, जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देने पर क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए या भाग चला जाए, विभाजित हो जाए दी गई संख्याओं का लासा कहलाती है। ठीक है, देखिए दोनों परिभाषाओं में से आप कुछ भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह संख्या दी गई संख्याओं की क्या लाएगी, लासा कहलाएगी। ठीक है, कुछ संख्याएं दी रहेंगी और उन संख्याओं के हमें जो है ऐसी संख्या ढूंढना है तो जो दी गई संख्या रहेगी उसे क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझना, अभी जो एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझा देते हैं उसे, अभी जो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको उसको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों परिभाषाओं में देखिए कोई अंतर नहीं है, दोनों चीजें हैं। पहला क्या है, छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वही चीज यहीं पर है, यहाँ पर भी है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से क्या देने, भाग देने पर क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। दोनों एक ही बात है, कहीं ये परिभाषा मिल जाएगी, कहीं ये परिभाषा मिल जाएगी, खुद से बना सकते हो तो और अच्छी बात है, क्रिएटिव बनिए। ठीक है, नए जो है तरकीब निकाली, हाँ लेकिन अर्थ का अनर्थ ना करो, लागो इतना ना क्रिएटिव बन जाओ कि होकर होलिया बिगाड़ दियो, सर के पैर और पैर में सर लगा दो। ठीक है, हमें ना करने लगे, जो भी रहे थोड़ा सा कहने मतलब है, चीजों को अपने हिसाब से याद करना सीखें, और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है कि पता लगे रट्टा मारो। देखिए मैं रटने पर नहीं जोड़ देता हूँ, जितनी बार आप समझना चाहते हैं मैं उतनी बार समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप रट्टा मत मारिए, मैं चीजों को इसीलिए समझा के ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर बड़ी संख्या जब रहेगी तो वहां पर मासा निकालना रहेगा, और जहां पर छोटी संख्या रहेगी वहां पर क्या निकालना रहेगा, लासा निकालना रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है कि हमें ऐसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढेगा है जो ने भाग देख रहे कौन संख्या रहे, मान लेते हैं हम ले लेते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है हमें जो 3 और 4 दोनों से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, कहे मतलब हमें जो है ऐसा औजार लेके आओ है कि जो एक पूरा काट दे, भैया ऐसा ना लेके आया पटक दे, देखिए हमें उसमें जो है सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, ना कि उससे भी, सबसे छोटी से जितनी छोटी पॉसिबल हो सके उतनी छोटी हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो इसका जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा। जैसे इसकी जब बात की जाती है तो क्या आ जाएगा, 12 से 4 में भी भाग चला जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा, तो ये जो है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 12। अब 12 के पहले आप देख लीजिए, 0 और 12 के बीच में देखिए कोई ऐसी संख्या है जिसमें 4 और 3 दोनों से भाग जाता है, नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिल गई, 12। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और आपको अच्छे से समझाता हूँ, तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसे वीडियो रोककर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। तो देखिए
मैं आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल मतलब आप सीधे सीधे अपने में बस जान जाइए पहाड़ा, क्या पहाड़ा। तो चलिए हम जो ये जो एग्जांपल ये दिए हैं तीन और बार चार वाला, इसी एग्जांपल को जो हम लोग समझते हैं कि ये एग्जांपल क्या है, इसके माध्यम से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल के रूप में यदि समझा जाए तो एक तीन हो गया और इसका, तो तीन का मल्टीपल क्या होगा भैया, तीन छः नौ बारह पंद्रह अट्ठारह इक्कीस चौबीस, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ऐसा नहीं है कि दसवीं तक पहाड़ा होता है भैया, अगो तक होते पहाड़ा, दसवीं तक खाली रटा ही जाता, ठीक है। तो इन्हें सोच लगा दस तक नहीं, अनंत तक ये डाट डाट लग गया, अनंत लग गया, तो मतलब है मल्टीपल अनंत होंगे, लेकिन जब बात आती है फैक्टर की तो वहाँ पर क्या होंगे, सीमित होंगे, ठीक। कोई भी वस्तु जैसे यदि हमें एक पेन तोड़ना होगा तो हम इसको जो है पॉसिबल से पॉसिबल जो भी तोड़ना रहेगा हम इसको तोड़ सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। लेकिन मल्टीपल क्या होता है कि इसमें जो है ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिसमें तीन से बाहर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तीन को काटने वाली संख्याएं बहुत कम मिलेंगी कि जो तीन को काट दे भाई, या भाई संख्या है तो एक और तीन ही मिलेगा तो सीमित नहीं हो गया। लेकिन ये जिस जिसको काटेगी संख्या वो असीमित रहेगी, ठीक। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। फिर क्या है, चार का हम लोग देखते हैं, चार आठ बारह सोलह बीस चौबीस अट्ठाईस, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या, एक सार्व जो है अपवर्त निकालने के लिए, क्या सार्व अपवर्त निकालने के लिए, देखिए क्या होता है सार्व अपवर्त, जो सब में कॉमन हो, देखिए क्या चार इसमें कॉमन है, नहीं, यहाँ पर आपको बारह कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बारह कॉमन मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, देखिए सोलह इसमें है नहीं, तो इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, चौबीस कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, चौबीस कॉमन मिल जाएगा। अब इसी के रेशियो में आप चलिए, ठीक है। अब देखिए आगे जाएंगे जब हम लोग तो बत्तीस आ जाएगा नहीं पहाड़े में, तो फिर क्या आ जाएगा, छत्तीस आएगा पहाड़े में, क्या आ जाएगा, छत्तीस आ जाएगा पहाड़े में। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके अनंत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या करते हैं हम लोग, अनंत संख्याएं निकालते हैं। तो ये सार्व अपवर्त हुआ। अब इन्हीं सार्व अपवर्तों में जो सबसे छोटा अपवर्त होगा, सबसे छोटा क्या है, बारह है, चौबीस तो जो है चौबीस से भी छोटा क्या है, बारह। तो यही जो बारह है यही आपका लासा अर्थात एलसीएम कहलाएगी, यही जो संख्या है उसकी दी गई संख्याओं की क्या कहलाएगी, लासा कहलाएगी, ठीक है, एलसीएम, ठीक। शॉर्टकट में आप सभी लोग यही लिखते भी हैं तो चलिए हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पर। तो आप लोग जो है ये आपका जो है सार्व अपवर्त के माध्यम से इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब जो है लासा निकालने की दो विधियां हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे मासा निकालने की कुल कितनी विधियां हैं, ऐसे लासा निकालने की भी कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं, वही चीज भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। बस अंतर इसमें यही इतना है कि जो भाग विधि होगा जैसे हम लोग मासा में देते हैं वैसे नहीं होगा। तो चलिए जिसको नोट करना हो इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लेकर आप लगा सकते हैं, आप लोग ट्राई करिए जरूर, कोई भी दो तीन संख्या ले लीजिए। जब तीन संख्या की बात आ जाती है, चलिए मैं इसमें तीन संख्या एक और संख्या जोड़ देते हैं, एक और संख्या हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए भाई नहीं मन मान रहा है तो चलिए एक संख्या और करके हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, ये तो फिर दो संख्याओं। और देखिए लासा और मासा और हमेशा दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याएं रहेंगी तभी निकाल पाएंगे आप लोग, अन्यथा नहीं। चलिए मैं बारह को ले ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, बारह चौबीस छत्तीस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अड़तालीस, फिर उसके बाद साठ, ऐसे ऐसे करके अनंत तक, ठीक है। इसमें जब बात की जाएगी सर्व अपवर्त की, कॉमन मल्टीपल की, तो क्या आ जाएगा इसमें, बारह चौबीस छत्तीस अड़तालीस साठ, ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। और इसमें सबसे छोटा क्या है, बारह, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखिए सब में कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब में कॉमन। देखिए यहाँ पर भी बारह है, यहाँ पर भी बारह, यहाँ पर भी बारह, ठीक है, चौबीस यहाँ पर भी है, चौबीस इसमें भी है, और चौबीस इसमें भी है। फिर बात आती है छत्तीस की, तो छत्तीस इसमें भी मिलेगा, इधर पढ़ेंगे हम लोग पहाड़ा, तो चार नौ छत्तीस यहाँ पर भी मिलेगा, आगे इसमें भी मिलेगा, कहानी मतलब है ऐसे जो है अनंत तक मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना सभी लोगों को।
चलिए ठीक। देखिए जब बात की जाती है इनकी विधियों की तो इसकी दो विधियां हैं। इसकी कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं एलसीएम निकालने की, दो विधियां हैं। एक है भाग विधि और एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन कौन सी? भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, देखिए दोनों से प्रश्न आते हैं इसलिए दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक आपका हो गया अभाज्य गुणन खंड विधि और एक क्या हो गया, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं लासा निकाल लें, लासा निकालने की विधि। ठीक, चलो एक हो, दूसरा हो गया भाग विधि। क्या हो गया? भाग विधि। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो इन दोनों को क्या हम लोग जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं जो अभी जो है अपवर्त वाले में हम लोग देखें वही चीजें। कौन कौन सी संख्या? 2, 4 और 12। इन्हीं का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अब बात आती है अभाज्य गुणनखंड। सॉरी, इसको हम लोग 3 कर लेते हैं, क्या करें, 2 कर लेंगे अभी। चलो 3 कर लें तो एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, पहले इस चीज को समझिए। तो जैसा कि मैंने जो है मासापा में बताया था मैंने आपको कि कोई भी संख्या है उसको जो है अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जब बात आती है 3 को तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए 1 × 2 × 2 लिख दिए। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 2 × 3। ठीक है, सेम इसमें भी वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? सेम इसमें भी यही चीज करेंगे। ठीक है, क्या करना है कि सब में देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। पहले तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। किसमें भैया? तीनों के घर है। पहले क्या सीधे आप तुम यह समझो कि कोई चीज हमें ढूंढना जाना है, कोई चीज हमें क्या है ढूंढना है, तो क्या करेंगे? पहले भैया तीनों जगह ढूंढो। तो एक काम किए भैया, जो सामान आना है तीनों दुकानें मिल गए तो भैया कहने एक काम करो, कौन एक दुकानें पे ले लो। बाकी एक दुकानें पे ले लें, क्यों ले लें? सामान जब चीजें हैं हाँ तो किसी एक दुकान पे ले लिए। चलिए भैया ले लिया, क्या एक ले लिए। फिर उसके बाद क्या है, दो को ढूंढने गए तो भैया केवल दो किसके घर है? तो ये घर है, मिली नहीं है। तो कहें भैया चलो आओ कहूँ आओ, जोड़ा बन गया नहीं है। तो देखिए फिर क्या है, ये भी देखिए ये किसकी केवल, ये भी दो है तो इसको आप जोड़ा बना के इसको कर लीजिए। बिल्कुल, अभी जो आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है अभी दूर कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए फिर क्या है, 3 इस यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। भैया कहें तुम आइयो संगरी, का तू अकेले रहो घरे पड़ा रहो, चलो हमारे संगरी। ठीक है, आ गया ना। अब देखिए रूल क्या कहता है, इस पर आते हैं हम लोग। रूल ये कहता है कि पहले जो है तीनों संख्याओं में कॉमन ढूंढिए। तीनों संख्याओं में क्या करना है, कॉमन ढूंढिए। ये दो संख्या होता है, मान लेते इसको मिटा देते हैं, तो दोनों में क्या होता है, कॉमन ढूंढते। ठीक है, कॉमन ढूंढते तो उसको एक जो है लिख देते, एक एक तरीके से इसको क्या बना दीजिए, बक्सा बना दिए। भैया ये एक का बक्सा है तो यहाँ पर लिख दिए, दुई के बक्सा हो भैया यहाँ लिख दिया, और यह दुई का बक्सा हो यहाँ लिख दिया, और यह दुई का अटैची हो यहाँ लिख दिया, सॉरी 3 का अटैची हो तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो कहने मतलब वही चीज है जैसे कहा नहीं दिया जाता, भैया ऐसे बक्सा बना दिया, इसी के ऊपर क्या लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, उसके अंदर जो भी भरा हो 3 भरा रहेगा ही, जाहिर सी बात है उसका जोड़ा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। तो पहले जो है हमें तीनों में कॉमन ढूंढना है, तीनों में मिल गया कॉमन। फिर क्या करना है, यदि तीनों में नहीं मिल रहा तो किन्हीं दोनों में ढूंढते हैं, दो में मिल गया भैया को तो चलिए यहाँ पर भी दोनों में मिल गया, यहाँ पर भी क्या हो गए दोनों में मिल गए, तीनों में यहाँ देखिए क्यों लिखे। अब बाय द वे जो है दोनों में ना हो रहा था, एक ऐसे और बढ़ा देते हैं हम, ये तो अकेले बज रहा भैया, कहीं तो क्या करे अकेले घरे क्या करे, वो चलो हमारे संगरिया तुम आ जाओ, इन संगरिया का हो जाते हैं, जो जिस रूप में ऐड जुड़ा रहेगा उसी रूप में यहाँ पर हमें नीचे उतारना भी है। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर गुणा है तो गुणा के रूप में ही उतारेंगे, भाग जोड़ घटाना तो है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भैया सबका मिला दियो, मिक्स कर लियो, उतार लियो जो सामान उतार के रहा, बना डालो खाना। देखिए भैया तैयार हो रहा है डिश, कौन सा डिश यहाँ पर बनेगा, देखिए कितना आ जाएगा,
बाहर आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, तो इन संख्याओं का गुणा कर देते हैं और यही जो संख्या निकल के आएगी यही दी गई संख्याओं की क्या कहलाएगी, लासा कहलाएगी। बात आई समझ में ना। चलिए हम जो है एक और उदाहरण के माध्यम से इस चीज को और स्पष्ट से देखते हैं। अभी भागवेद पे नहीं जा रहे हैं, अभी किस पर, क्यों इसी पर रहेंगे। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे ले लिए 8, 12, 16, ये तीन संख्या ले लिए ना। तो इन तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमें, अभी देखिए, चलिए हम मिटा दे रहे हैं इसको। इन तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 × 2 × 2 × 2, इसका क्या होगा, 1 × 2 × 2 × 2। ठीक, और एक 3 हो गया, इसका क्या होगा, 1 × 2 × 4 × 8 × 16। ये तो हुआ भाई। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो भैया पहले जाओ तीन दुकानें देखो, देखो देखें या देखो मिल गई नहीं, जिन्हें पकड़ गए भैया पकड़ गए, पकड़ो पकड़ो इन्हें, पकड़ लो लाइक नीचे धरो इन्हें दमा से, लो आइए। ठीक है, जेल में बंद कर दिया इन्हें, चलो अब इन्हें तीनों देखो पकड़ो पकड़ो भाई, इन्हें पकड़ो इन्हों कैसे पकड़ो, जाना दो बढ़िया पकड़ो, फिर कहा गया इन्हों बंद किए घर में, चलो अब और जिन्हें ढूंढो, देखो ये देखो तीनों घर में भैया तीनों जगह ही है विराज में, पकड़ो सबका भैया पकड़े लाए इन्हें। अब कहा कि हम अब देखो हाई जोन बात हुई, यहूँ बात हुई, यहूँ बात, तो चाहे अकरे संगलिया करो चाहे अकरे संगलिया करो कौन दिक्कत ना आई। ठीक है, तो चलिए हम जो है लास्ट में है किनारा है, तो इन्हें भैया चलो जोड़ लिए, तो इन्हों दो जी ने पकड़ के जेल में बंद कर दिए। ठीक बात, अब क्या करें बाटे हमें, अब के बचत हुआ, जे बचत बत्ते उठा लो, जे बचत बत्ते उठा लो, तो के बचत हुआ, हाई बचत है नहीं नो बचत है, अकेले अकेले बचत है, चलो भैया चाहे अकेले हो चाहे दुखिया लो सबका लेके आओ बाटे। ठीक है, तो जे दुखिया ले तिकल नहीं तेका संगरी लेके आओ बाटे कल आगे। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 और 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 भैया, यही आ गया क्या आपका एलसीएम आ गया भैया, लासा निकल गया है, देखो कितना निचोड़े उचोड़े बाद तब जाएगा लासा वासा निकला। ठीक, तो का किया है कि नए सकते जो जलिए में रहे नए सकते पेर के और कहा निकालेगा है लासा निकालेगा ना, जानो रस निकालना है भैया, रस उतना निकले लासा निकालेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो पेरेगा अच्छे से तो क्या निकला ये लासा निकल गया। ठीक, तो आप लोगों को क्या समझ में आ गया ना, हमें कुछ नहीं करना है, जो तीनों में कॉमन मिलेगा उसको ले लेंगे, जो दो यहाँ दो में कॉमन, देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी तीनों में था, ये भी तीनों में था, ये भी तीनों में था, इनको सारे को क्या कहिए एक बॉक्स में बंद कर दिए, ये एक का बॉक्स है एक नीचे, ये दो का बॉक्स है दो को नीचे, और ये दो का बॉक्स है ये भी दो को नीचे। अब ये देखिए ये दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, तो दो को वाले को लिख दिए यहाँ पर, दो कॉमन लेकर चले गए, दो का बॉक्स हो गया। अब कहा कि भैया एक तीन का बॉक्स बना एक दो का बॉक्स बना, तो एक दो का बॉक्स और एक तीन का बॉक्स कर दें। ठीक है, और सबको क्या कर दिए भैया मिला दिए मिक्स कर दिए, तो कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम जो है बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं, इसको लगाएंगे, हमें जो है इन चीजों को समझना जरूरी है, तो आप जो है इन चीजों को क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया और ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट करना चाहते हैं हम लोग नोट कर सकते हैं, तो क्या है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे भाग विद की तरफ। देखो भैया भाग्य हो ना, भाग विद पर जाएगा तो भाग्य वाग्य ना भैया, समझ लियो तब जाओ भाग पे। हाँ, उतना ही मोबाइल वोबाइल संभाल मार के चलाना, मुँह पे ऊपर गिर गया तो गड़बड़ाएगी भाई। हाँ, तब तो भगे ही पड़ी, कहीं नाको आप टेढ़ी हो जाएगी, मुँह पे गिर गया मोबाइल। तो देखिए कौन सी विधि हमें पढ़ना है, भाग विधि। जैसे यदि आप सोच रहे हैं इस तरीके का, इस तरीके का इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें हाई वाला पढ़े को, कौन वाला हाई वाला, कौन वाला हाई वाला भागी हाई वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इस विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर जो इस एग्जांपल को आते हैं हम लोग। ठीक, बहुत सारे लोग जानते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें जो है उन लोग को भी ध्यान देना है जिनको नहीं आता है, अक्सर क्या होता है कि इसमें गलती कर जाते हैं, तो थोड़ी सी मैं जानकारी इसमें देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे हमें निकालना है एक संख्या लेते हैं अभी, जैसे क्या निकालना है, छोटी संख्या हटाओ 12,
इसको निकालना है ना, ऐसे करेंगे। अब देखिए सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, एक ऑप्शन है हमें देना होना, भाग देना है किससे, अब दो से, एक से तो सारी संख्या में भाग चली जाएगी, ठीक है, तो दो से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, छह, जितनी बार जाएगा उसके नीचे, ठीक है। पुनः अब किस इसको किससे काटेंगे, दो से काटेंगे, तो देखिए सबसे छोटी संख्या, अब बात आते हैं किससे, तीन, तो अब ये दो से कटेगा ना, किससे कटेगा, तीन से कटेगा, और तीन अकन्य तीन, जितनी बार ये देखिए क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, भागफल, क्या होते हैं, भागफल होते हैं, ठीक है। जितनी आप लेकर जाते हैं जितनी बार, और पूरा पूरा जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें शेष बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें होगी, लेकिन अभी यही साथ है जो है और द्विजनिक जोड़ दो, यानी साथ है द्विजनिक और ले आओ भैया, चलो हम जो है दो संख्या और ले ले रहे हैं, एक ले ले रहे हैं, चलिए इसी में हम जोड़ देते हैं 16, किससे काटेंगे, दो से ही काटेंगे, ठीक है। एक कितना जाएगा, छः, एक कितना जाएगा, आठ है, हम सही से लिख दे नहीं तो समझ लो क्या है, गलत हो जाएगा। फिर चलिए कितना आ गया, तीन, और कितना आ गया, चार। अब देखिए अभी जो है जब तक एक संख्या से काटते तब तक चले जाइए जब तक उसका भागफल एक ना आ जाए, कितना ना आ जाए, एक ना आ जाए, चलिए, और बाकी को ऐसे ही जो है उतारते चलिए। तो चलिए अभी भैया तीन तो कटेगा ना, तीन को ऐसे उतार लो भैया, कर लीजिए, चलिए भैया ये कट गया ना अभी, अब तीन पे आइए आप, टूट पड़िए भैया, टूट पड़े तो कितना आ गया, कटवट के भैया एक आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, लासा में क्या होता है, इन्हीं सारी संख्याओं का क्या कर लिया जाता है, आपस में गुणा करा लिया जाता है, क्या करा लिया जाता है, गुणा करा लिया जाता है, जैसे क्या है 12-16 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2×2×2×3 कितना आ जाएगा, 48, कितना आ जाएगा, 48 अर्थात 48, ठीक है। तो भाग विषय हम लोग जो है इस जो भाग दिया जाता है वो इस तरीके से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए एक जो है बेहतरीन उदाहरण के साथ जो है हम लोग इस विधि को समझते हैं कि कैसे भाग विषय लाशा निकाला जाता है। मैंने हालांकि एक डेमो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और एग्जाम्पल आ जाता तो और मजा आता है कि नहीं, जैसे भैया पनीर खाए मिला और बढ़िया, तो थोड़े और मिल जाए तो और खाए मजा, और वैसे है जितने आप लगाओगे उतने क्या आ जाएगा, इसमें मजा आएगा, ट्विस्ट आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल एक को लेकर क्या कहते हैं, पहले दो संख्या और 8 और 12 का क्या, 12 का क्या निकालना है, एलसीएम, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम किस विध से, भाग विध से, किस विध से, भाग विध से, कुछ ना भैया इन्हें सबका कटघरा में लाए खड़ी करो, खड़ा कर दियो इन्हें, के में कटघरा में लाए खड़ा कर दियो, खड़ा कर दिए कितने, अब जज साहब आएंगे भैया काटो इन्हें, चलो भैया काटें, तो काटें कितना आइए, 4 आइए, कितना आइए, 6 आइए भैया, चले हाई कितना आइए, 2 आइए, हाई कितना आइए, 3, ठीक है। अब ही जाए 2 को पहाड़ा, चलिए भैया हाई 3 को ऐसे उतार लेंगे, और हाई क्या करेंगे, हाई क्या करेंगे, 1 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर भैया इनको किस रूप में लिख देना है, जो बगलिया आए हैं वहाँ से लोग इनको जो है ऐसे गुड़े के रूप में लिख देना है, और कुछ नहीं करना है भैया, पेड़ दो कोलू में तो कितना आ जाएगा गुड़ा करने पे, 4×3 = 24 कितना आ जाएगा, 24, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे जो हम लोग मासा भी निकालते हैं, तो देखिए मासा निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक संख्या में पूरी पूरी जब तक तो भाग चले जाए तभी तक जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर जो केवल 2 में जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो अब जो है आपका यहाँ मासा वासा ना निकली, ये मच्छर उच्छर ना निकली, ठीक है। तो यहाँ कह रहे खाली ये 2 संख्या क्या हो जाएगी आपकी, मासा हो जाएगी। लेकिन अभी वहां पर आप मत होइए, भ्रम मत जो है भ्रम मत पालिए, आप जो इसको जो है इस तरीके से लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। जो लोग जान रहे अच्छी बात है, मैं उनके और जो विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो अपना लगाइए। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट ये आप जो है इससे बेटर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप उसी कॉन्सेप्ट पे लगाइए, ठीक है। अपने जो है वो कॉन्सेप्ट को चेंज मत करिए, क्योंकि उससे बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट ये क्लियर नहीं है, तो उसके लिए है ये कि आप लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ा पढ़िए, आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, वही सबसे अच्छा है, ठीक है। ना ही बाकी एक थरिया आए खाना और खाए किनारे कहीं देर रात भर पेट पिराए, तो ये मैं ना करो, आराम से खाओ, अपच उपच ना पकड़े, आराम से खाओ पियो और आराम से सुतो मस्त होकर, ठीक है। तो जो भी पढ़िए थोड़ा पढ़िए, सीमित पढ़िए, और क्या है थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो इससे क्या रहेगा समझ में ज़्यादा आएगा,
ठीक है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वो भी लेवल के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों मैं लेवल इसलिए बांट रहा हूँ जिससे जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं पिछले वीडियो में भाषा वाले क्वेश्चन में इसी तरीके के प्रश्न करवाए थे, जो लोग नहीं देखे वो लोग जाके प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक जो है नए ऊर्जा के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।